हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे जो नंबर्स होते हैं इन स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर रूट्स में अगर नंबर हो, फॉर एग्जांपल जैसे ये 3 है, 3 स्क्वायर रूट के अंदर है, 2 स्क्वायर रूट के अंदर है और ये 5 बाहर है, तो ये 4 भी बाहर है। जैसे हमने यहाँ पे करना है 4√3 को 5√2 में ऐड करना है, तो ये कैसे ऐड होगा? 4√3 में से 3√2 माइनस करना है, माइनस कैसे होगा, मल्टीप्लाई इन दोनों की कैसे होगी और डिवाइड कैसे होगी, ये सब कुछ हम इस लेक्चर में सीखेंगे विद मोर एग्जांपल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑपरेशन के साथ, मल्टीप्लाई से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि मल्टीप्लाई कैसे होगी। तो चलिए बेटा, फर्स्ट ऑपरेशन है हमारा मल्टीप्लाई का। तो मल्टीप्लाई का फर्स्ट सम हमारे पास है 7√3 मल्टीप्लाई बाय 5√3। तो इस टाइप में देखो क्या है, जो रूट में नंबर है वो बिल्कुल सेम है, इधर भी यहाँ पे भी 3 है एंड यहाँ पे भी 3 है, पर जो बाहर नंबर है वो डिफरेंट है। तो चलो, जो भी बाहर नंबर है वो डिफरेंट हो चाहे सेम हो, तो कैसे करना है, उन दोनों की पहले आपस में मल्टीप्लाई करनी है। 7 × 5 कितना हो गया, 35। आगे मल्टीप्लाई लिखना है, फिर जो √3 एंड √3 अगर नंबर सेम है तो क्या करना है, रूट के साथ रूट कैंसिल हो जाएगा, तो √3 × √3 कितना हो जाएगा, ओनली 3 बच जाएगा। यहाँ पे लिखो 3, फिर क्या करना है, इन दोनों के मल्टीप्लाई कर दो, 35 × 3 कितना हो गया, 105। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, चलिए सेकंड क्वेश्चन है हमारा 6√3 मल्टीप्लाई बाई 4√2। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, हम 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना बन गया, 24 आगे मल्टीप्लाई बाई। अब देखो, रूट में यहाँ पे नंबर 3 है एंड यहाँ पे 2 है, मतलब ये सेम नहीं है। अगर तो ये सेम होते तो हम इस सम की तरह कर लेते, बट यहाँ पे सेम नहीं है तो क्या करेंगे, तो क्या करना है, आपने रूट का साइन लगाओ और जो रूट में दोनों नंबर हैं उन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दो। तो 3 × 2 कितना हो गया, 6, तो √6 यहाँ पे आ गया, तो क्या हो गया, 24√6। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो नेक्स्ट सम है, थर्ड सम, 8√2 मल्टीप्लाई बाय 6√2। तो यहाँ पे देखो क्या है, रूट में नंबर सेम है तो इनकी मल्टीप्लाई बिल्कुल आसान हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे पहले जो नंबर्स स्केयर में स्केयर रूट में नहीं है उन दोनों की मल्टीप्लाई अलग लिखनी है, 8 × 6 कितना हो गया, 48 एंड मल्टीप्लाइड बाय √2 एंड √2 कितना हो जाएगा, 2। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, 96 हमारा क्या हो गया आंसर। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। तो चलिए इस सम में देखो, फोर सम में जो स्केयर्स में नंबर हैं वो भी सेम है और जो बाहर है वो भी सेम है। चलिए, जो बाहर हैं वो सेम हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, तो कितना बन गया, 9 मल्टीप्लाइड बाय। तो इस केस में कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे √2 × √2 2 हो गया था, √3 × √3 3 हो गया था, तो यहाँ पे क्या है, √10 × √10 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 9 × 10 कितना हो गया, 90। ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो चलिए नेक्स्ट सम देखते हैं, फिफ्थ सम। इस समय देखो क्या है, 5√5 मल्टीप्लाइड बाय 2√3। तो इसको क्या करना है, 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करनी है, 10 मल्टीप्लाइड बाय, अब स्क्वायर रूट का साइन ऐसे लिखना है, 5 × 3 करना है, 15 हो गया। तो इसकी क्या वैल्यू होगी, 10√15 आंसर। तो आई होप आपको मल्टीप्लाई अच्छे समझ आ गई होगी। तो अब हम क्या करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें पहले, फिर हम डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड में देखो बेटा, तो सेकंड ऑपरेशन क्या आ गया हमारा, डिवाइड, इसका साइन होता है ये, ठीक है जी। फर्स्ट सम है √3 डिवाइड बाय √3। तो ये तो क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, किसी भी नंबर को अगर हम सेम नंबर के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा,
वन ही आएगा ऑलवेज, बट कंडीशन क्या है कि वो नंबर नॉन ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है जी। ज़ीरो के केस में वो नहीं होगा, बाकी नॉन ज़ीरो नंबर्स के केस में क्या होगा, कोई भी नंबर को अगर सेम नंबर के साथ डिवाइड करें तो रिज़ल्ट क्या होता है, वन ही होता है। तो नेक्स्ट सम देखते हैं, तो नेक्स्ट सम क्या है, 5√2/√2। तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे, तो ऐसे लिखो 5√2 डिवाइड कैसे करेंगे, अपॉन में आ जाएगा √2, तो √2 के साथ √2 कैंसिल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे √3/√3 कितना हो गया 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √2/√2 कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 5 × 1 कितना हो जाएगा 5, तो 5 क्या हो गया हमारा आंसर। तो नेक्स्ट सम देखते हैं, थर्ड सम, तो थर्ड सम क्या है हमारा, 20√3/5√3। तो इसको कैसे करेंगे, 20√3 लिखेंगे यहाँ पे और डिवाइड बाय 5√3, तो सेम बिल्कुल वैसे ही हो गया, √3 के साथ √3 कैंसिल हो जाएगा, 20/5 बच गया, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, 5 × 4 = 20, तो 4 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट सम देखते हैं, तो नेक्स्ट सम आ गया हमारे पास 6√15/2√3। तो यहाँ पे देखो इसमें क्या डिफरेंस है इन तीनों में से, इन तीनों में क्या था कि √3/√3 था, यहाँ पे √2/√2 था, यहाँ पे √3/√3 था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, √15 है एंड यहाँ पे √3 है। मीन्स क्या है, स्क्वायर रूट में नंबर यहाँ पे डिफरेंस है, इसको ध्यान से समझना। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखें =6√15, जो √15 है इसको कैसे लिखेंगे हम, √5/√3 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 × 3 कितना होता है, 15 होता है, मल्टीप्लाई करके इसको इतना आएगा, तो डिवाइड बाय 2√3 हो गया। तो देखो √3 और √3 कैंसिल हो जाएगा एंड 6/2 कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो क्या बच गया, 3 बच गया एंड रूट में 5, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3√5 हमारा क्या हो गया आंसर हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, तो इस सम में देखो क्या है, 10√15/5√5। ये भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, 10√15 को क्या लिखेंगे, √5/√3, डिवाइड में क्या है 5√5, तो √5 के साथ √5 कैंसिल हो जाएगा एंड 10/5, 5 × 2 = 10, तो क्या बच गया हमारे पास, 2√3, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो ये थी बेटा डिवीजन, तो हमने आपको मल्टीप्लाई करना भी सिखा दिया है, डिवाइड करना भी सिखा दिया है, तो अब हम क्या करते हैं, प्लस एंड माइनस। तो वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहना, अगर वीडियो समझ आ रही है आपको तो लाइक कर दें। चलिए अब हम करते हैं एडिशन, तो बेटा देखो थर्ड ऑपरेशन है हमारा एडिशन का, इसका साइन होता है ऐसे, प्लस का साइन। तो अब हमने क्या करना है, रूट्स वाले नंबर को ऐड करना है। तो देखिए फर्स्ट हमें हमारे पास √5+√5, तो अगर हम नंबर यहाँ पे सेम हो, रूट में नंबर सेम हो तो कैसे करेंगे, अगर डिफरेंट हो तो कैसे करना है। तो सेम नंबर के में क्या करना है, जो नंबर यहाँ पे गिवन है 5 √5 गिवन है, तो वो ऐसे ही लिखो √5, एंड जो इनके बाहर नंबर है उनको ऐड करना है। जहाँ पे देखो कुछ नहीं है तो 1 लगाओ, यहाँ पे भी कुछ नहीं है 1 लगाओ, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे लिखो 2, तो आंसर क्या हो गया, तो √5+√5 कितना हो गया, 2√5 आंसर। चलो सेकंड हम देखते हैं, तो यहाँ पे क्या गया, √3 यहाँ पे है, यहाँ पे भी √3 है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे रूट लिख के 3 लिखेंगे, तो बाहर क्या लिखेंगे, यहाँ पे कितना है 2 एंड यहाँ पे कितना है, अगर कुछ भी नहीं है तो क्या बोला था मैंने, 1 लगाओ, तो 2+1 कितना हो गया 3, तो क्या आंसर हो गया 3√3 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट सम देखो बेटा, यहाँ पे √2 है, यहाँ पे भी √2 है, सेम नंबर है, तो यहाँ पे क्या करना है, √2 लिखना है एंड बाहर जो नंबर है 3, यहाँ पे 5, 3+5 कितना हो गया 8, तो 8√2 कितना हो गया हमारा आंसर हो गया, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्या आ गया, फोर्थ सम, तो चलिए इसको ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे क्या है रूट में 3 एंड यहाँ पे क्या है रूट में 2, तो इसको अगर हम सम करेंगे, ऐसा नहीं है कि √3+√2 हम √5 लिख देंगे, वो गलत हो जाएगा। तो इसका कैसे आंसर करेंगे हम,
कैसे इसको प्लस करेंगे, तो इसको प्लस करने का कोई मेथड नहीं है, इसको बिल्कुल एज इट इज ही लिखेंगे, 4√3 + 5√2। ठीक है जी, तो यही हमारा आंसर होगा, इसको सॉल्व नहीं कर सकते। सिमिलरली क्या है, यहाँ पे 6√5 + 4√3 है, इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे एज इट इज, रूट फाइव में रूट थ्री ऐड नहीं होगा। ठीक है जी, तो नेक्स्ट करते हैं हम सब्ट्रैक्शन। तो नेक्स्ट क्या आ गया बेटा हमारा, फोर्थ ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन का, जिसका साइन होता है ऐसे माइनस का। ओके जी, अब इसकी एग्जांपल्स हैं जो हम करते हैं, √5 - √5। देखो जहाँ पे नंबर सेम है, नंबर सेम है तो सब्ट्रैक्शन इनकी हो सकती है, तो किसी भी नंबर में से बिल्कुल सेम नंबर अगर माइनस करे तो आंसर क्या आएगा, हमें हमेशा जीरो आएगा, तो इसका आंसर हो गया जीरो। नेक्स्ट देखो सेकंड सम, यहाँ पे क्या है √2, यहाँ पे भी √2, 5√2 - √2। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल जैसे एडिशन में किया था, यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √2 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम √2, रूट में 2 लिख लिया। अब क्या करना है, 5 में से जो इधर बाहर है और जो इधर बाहर है उनको माइनस कर देंगे, इधर कुछ भी नहीं है बाहर, तो क्या लगाना है 1, 5 में से 1 माइनस करो, क्या लिखो यहाँ पे 4, तो इसका आंसर क्या हो गया 4√2, हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। थर्ड सम देखो, यहाँ पे भी √3 है, यहाँ पे भी √3 है, तो अब तो आपको समझ आ गया होगा कि कैसे करना है, यहाँ पे लिखो √3, यहाँ पे 4 - 2 कितना हो गया 2, तो ये 2√3 क्या हो गया आंसर हो गया। सिमिलरली यहाँ पे देखो √3 है एंड यहाँ पे √2 है, अब ये देखो यहाँ पे क्या है, नंबर स्केयर में स्केयर रूट में सेम नहीं है, तो इसका सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, इसको बिल्कुल एज इट इज लिखेंगे 4√3 - 3√2। ओके जी, इसका यही आंसर होगा, इसका माइनस नहीं हो सकता, सेम बिल्कुल ऐसे ही है, यहाँ पे √5 है, यहाँ पे √3 है, तो इसको कैसे लिखेंगे √3√5 - 2√3, ये बिल्कुल ऐसे लिखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये थी बेटा सब्ट्रैक्शन। तो हमने इस लेक्चर में क्या सीखा है, रूट्स में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको मैथमेटिक्स के रिलेटेड और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।